थाना सिंदूरिया अंतर्गत पुलिस के पास कल सुबह सूचना आई थी कि वहां पर एक 6 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है। इस सूचना पर वहां पर पहुंचकर बच्ची के शव को कब्जे में लिया गया था, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। पोस्टमार्टम में बच्ची का मृत्यु का कारण सर पर चोट लगने के कारण आया था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई और बाद में डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया गया तो घटनास्थल के आसपास ही पूरे घटना का होने का पाया गया। इसमें सघन पूछताछ के बाद ये बात निकल कर आई है कि इसी बच्ची के घर के ठीक सामने रहने वाले एक लगभग 15 वर्षीय और 17 वर्षीय लड़के द्वारा बच्ची को बहला फुसला कर घर के अंदर बुलाया गया था। वहाँ पर इन लोगों के द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने के क्रम में जैसे वो शुरू किया गया तभी बच्ची के द्वारा शोर मचाया गया। इसे शांत कराने के लिए और इस पूरे प्रकरण से घबराकर इनके द्वारा बच्ची के गले को दबाकर और इसके सर को लड़ाकर बच्ची के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया जिसमें बच्ची की मृत्यु हुई और इन दोनों के द्वारा उसी घर में उसी के पूजा घर में बच्ची के शव को छुपाया गया था और रात में मौका पाकर लगभग रात्रि में 2 या 3 बजे के आसपास में घर के बगल की ही गली में बच्ची के शव को छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा इस घटना में जो दो बाल अपचारी संलिप्त हैं उनको पकड़ते हुए उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया और साथ ही इस घटना में इनके द्वारा साक्ष्य मिटाने के लिए जिस तेजाब के बोतल का प्रयोग किया गया था तथा मौके पर जो निरोध और मैगी का पैकेट जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है उनको भी बरामद करते हुए इसमें कार्रवाई पूर्ण की गई तथा अग्रिम विधेयक कार्रवाई की। वॉचिंग दिस वीडियो टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर